हेलो एवरीवन वेलकम बैक अगेन सो आज स्टार्ट करेंगे अपना वही टॉपिक जो हमने क्लास अपना नेक्स्ट क्लास में या प्रीवियस क्लास में छोड़ दिया था सो so, आप लोगों को याद है कि हम प्रीवियस क्लास में जो रिसेंटली अभी येस्टडे को एक वीडियो आई है दैट इज़ ऑफ नाइन्थ क्लास की आई है और उसमें हमने डिस्कस करा है अपना इम्प्रोवमेंट इन फूड रिसोर्स के अंदर ठीक है मतलब हम फूड रिसोर्स के अंदर जब हम इम्प्रोवमेंट कर रहे हैं वो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज़ हम लोगों ने अब तक टू पॉइंट्स कवर कर लिए थे जिसके अंदर हमने न्यूट्रिएंट्स का मैनेजमेंट पढ़ा था कि हाउ न्यूट्रिएंट्स जो है मैनेज किस तरह के होते हैं और एक हमने देखा था कि किस तरह से हम वैरायटी ग्रो करा सकते हैं ठीक है ना कि क्रॉप के अंदर जो वेराइटीज़ हैं उसकी क्वालिटी क्वान्टिटी किस तरह से हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं तो ये दो पॉइंट्स हमने अभी तक देखे थे दे। सो so, आज हमारा थर्ड पॉइंट स्टार्ट होता है उसी का एंड थर्ड पॉइंट जो है हमारा क्या है दैट इज़ दी क्रॉप प्रोडक्शन ठीक है कि जितना भी हमारा क्रॉप प्रोड्यूस हो रहा है वो जो प्रोडक्शन हुई है अब उनको भी तो मैनेज करना पड़ेगा एंड फॉर दूस मैनेजमेंट वी हैव डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिस ठीक है हम अब उसको भी हमें देखना है देखो जब आप एक फार्मर है एक फार्मर ने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया तो एथ क्लास में आपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में समझा होगा उसमें क्या होता है सबसे पहले आपका प्लफिंग आता है ठीक है प्लफिंग आएगा फिर सोइंग आ गया फिर उसके बाद आप न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हो फिर आपने इरिगेशन दे दिया फिर उसकी जो है आप मैनेज करते हो जितने भी मतलब जो पेस्ट कंट्रोल वो मेथड यूज करते हो एंड देन उसकी हार्वेस्टिंग करते हो एंड देन स्टोरेज करते हो तो देखा जाए तो ये जो सेवरल स्टेप्स है ना तो इन सेवरल स्टेप में आज हम इस वीडियो में कौन सा स्टेप हम करने वाले हैं दैट इज की मैनेजमेंट कि आफ्टर गिविंग द इरीगेशन सब कुछ हमने दे दिया हमने बेस्ट चीज़ें दी हैं बट उसके बावजूद भी हमें क्या देखने को मिल रहा है दैट सम प्रॉब्लम इज देयर ठीक है तो उस प्रॉब्लम को भी फिनिश करेंगे आज और वो सारी चीज़ें देखेंगे देखो कोई भी एक फार्मर है उसने अगर एक क्रॉप्स को ग्रो कराया और जब भी वो क्रॉप्स को ग्रो कराएगा तो कहाँ ग्रो कराएगा वो फील्ड्स के अंदर फील्ड है मतलब खेत हो गए खेत के अंदर जो है अब देखो कोई भी क्रॉप अगर ग्रो कराई जा रही है तो क्रॉप के ऊपर बहुत सारे लोग अटैक कर सकते हैं सबसे पहला जो है जो डैमेज होगी अगर मेरी क्रॉप ख़राब होती है उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो सबसे पहले कौन सी चीज़ आ जाएगी वीड्स आ जाएंगे इसके बारे में अभी बाद में बात करेंगे उसके बाद और कौन से होते हैं इंसेक्ट्स आ सकते हैं ठीक है एंड देन उसके बाद क्या आ जाते हैं पेस्ट लग जाते हैं बहुत सारे पेस्ट होते हैं देन अगर ये भी नहीं हो रहा है तो अल्टरनेटिवली क्या होगा डिजीज़ हो, लग हो जाती है मतलब कोई भी डिजीज़ जो है मेरे क्रॉप्स को हो जाती है तो अभी इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट तो कर रहे हैं अपना प्रोटेक्शन मैनेजमेंट को तो अब स्टार्ट करेंगे बिल्कुल अपने टॉपिक से दैट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आर देखो हमें क्या करना है प्रोटेक्शन देनी है किसको देनी है अपनी क्रॉप्स को देनी है ठीक है और किन किन के अगेंस्ट प्रोवाइड करनी है तो अभी अब भी जस्ट हमने पढ़ा वीड्स के अगेंस्ट देनी है पेस्ट के अगेंस्ट देनी है इंसेक्टिसाइड्स इंसेक्ट्स के अगेंस्ट देनी है और जो उन्हें डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस हो जाती है उनके अगेंस्ट अब ये चारों के चारों अल्टरनेटिवली क्या करेंगी मेरे किसी भी क्रॉप को डैमेज करेंगी ये क्या करेंगी मेरे किसी भी क्रॉप को डैमेज कर देंगी ठीक है सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटजीज़ अलग अलग होती हैं टेक्निक्स अलग अलग होता है ट्रीटमेंट हर किसी का अलग होता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने वीड्स के ऊपर देखो इसके आगे समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वीड्स क्या होते हैं तो वीड्स वो अनवांटेड प्लांट्स हैं क्या हैं ये अनवांटेड प्लांट्स हैं जो अपने आप बिना मर्जी से बिना हमारी बिना फार्मर की मर्ज़ी से ग्रो हो गए हैं ठीक है और ये अपने आप होते हैं नेचुरल होते हैं पर ये किस तरह से जो हमने क्रॉप उगाई है उसमें किस तरह से हमारे लिए नुकसानदायक होता है उसमें किस तरह से वो है, जो है डैमेज कॉज कराएगा देखो तो सबसे पहला ये जो काम करेगा ये कंपिट कम्पीट, कम्पीट करता है कंपटीशन करता है ये जो है क्या करेगा कम्पीट करेगा अब कम्पीट किस किन सेंस में कर सकता है तो कम्पीट करेगा इन द फूड रिसोर्सेज अब एक सिंपल सी बात है ये देखने वाली कि भाई मेरे पास एक रिसोर्स है ठीक है मेरे पास क्या है एक सिंपल सा रिसोर्स है और मैंने उस रिसोर्स को मतलब फॉर एग्जांपल लगा लो मेरे पास जो है एक स्क्वायर फुट है और उस स्क्वायर फुट के अंदर मुझे जो अपनी क्रॉप्स को उगानी है सिंस मेरे पास जो एरिया है वो तो लिमिटेड ही है अब उस एरिया में भी वीड्स ग्रो कर जाएंगे तो सबसे पहले तो वो कौन सी चीज़ मेरी ऑक्यूपाई कर लेंगे स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया ना मीन्स अगर उसकी जगह पे वो वीड नहीं होता तो मेरा एक क्रॉप और वहाँ पे ग्रो हो सकता था अब एक उसने क्या करा स्पेस भी ऑक्यूपाई कर लिया आफ्टर ऑक्यूपाइजिंग ऑक्यूपाइंग द स्पेस स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे उसके बाद ये क्या करेगा हमारे देखो एक तो उसने क्या कर लिया स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया ठीक है अब जो सन आ रही है जो फोटोसेंस हो रही है अब सनलाइट उनके पास भी जाएगी मतलब वो सनलाइट की एनर्जी वो सोलर एनर्जी को भी यूटिलाइज़ कर रहे हैं अब जितने भी सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगे वो उनके साथ ही कम्पीट कर रहा है भाई उनको भी एब्जॉर्ब कर रहा है ठीक है ना तो फूड अब जो फूड मेरे प्लांट को चाहिए जो ऑक्सीजन चाहिए जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो एनवायरमेंट में प्रेजेंट है वो उन सबको भी यूटिलाइज कर रहा है तो देखा जाए ये बिल्कुल उसी क्रॉप की तरह ग्रो हो रहा है जो मुझे चाहिए थी बट एक नुकसान ये क्या कर रहा है कि भाई मेरे ये सारी की सारी चीज़ों को लिए कम्पीट कर रहा है और जब कम्पीट करेगा तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा इसका एक ही रिज़ल्ट हमें देखने को मिलेगा दैट जो मेरी क्रॉप है ठीक है वीड्स की वजह से जो रिज़ल्ट मुझे देखने को मिला क्या मिला मुझे रिज़ल्ट देखने को जो मेरी क्रॉप है इसका जो ग्रोथ है ठीक है ना ये क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा क्यों डिक्रीज हो जाएगा सोचने समझने की बात है भाई मेरे को खाना नहीं मिल रहा है मुझे ताकत नहीं मिल रही है एनर्जी नहीं है मेरे पास तो ऑब्वियसली बात है मेरी जो है एक टाइम पर आने के बाद डेथ हो जाएगी एट द सेम टाइम जो मेरी क्रॉप है वो भी क्या हो जाएगी एक टाइम पर डैमेज हो जाएगी सड़ जाएगी गल जाएगी और खाने लायक वो नहीं रहेगी तो ये तो हो गया पूरा कि किस तरह से वीड है अब देखो वीड्स को हटाना है या वीड्स को ट्रीट करना है तो व्हाट वी कैन डू अब आते हैं हम ट्रीटमेंट पे किस पे आते हैं हम ट्रीटमेंट पे अब वीट को ट्रीटमेंट करने का एक ही तरीका होता है कि हमने उसको क्या कर दिया हम मकैनिकली रिमूव कर दिया है ठीक है हमने क्या करा उसको मैकेनिकली रिमूव कर दिया भाई हमने कोई भी खुरपी ली हमने कोई भी सिक्कल लिया कुछ भी हमें इंस्ट्रूमेंट मिलता है उसको जड़ से उखाड़ना है कहाँ से उखाड़ना हमें उसको जड़ से बेटा देखो ये चीज़ याद रखना वीट्स को जब तक आप रूट से नहीं उखाड़ते हो जड़ से नहीं उखाड़ते हो तब तक वो दोबारा 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 ग्रो होती रहेगी ठीक है ना जंगली घास भी बोलते हैं वीड्स को हम जंगली घास भी बोलते हैं हिंदी की टर्म्स में और ये जंगली घास बहुत ज़्यादा होती है ये जो रूट्स हैं इसकी वो बहुत डीपर पेनिट्रेट कर जाते हैं सॉइल के ठीक है एंड वहाँ पे ये किसी और को न्यूट्रिएंट्स नहीं लेने देते हैं तो इसीलिए हमें क्या करना होता है इसकी रूट से जड़ से इसको ख़त्म करना चाहिए आपने सुना होगा ना क्या कहते हैं लोग कहते हैं भाई अगर किसी बीमारी को ख़त्म करना है तो उसकी जड़ पे काम करना शुरू करो भारी सिम्टम्स को देखने की ज़रूरत नहीं है तो सिमिलरली हमने क्या करा हमने वीड्स को ख़त्म करा जड़ से ठीक है अब दूसरा क्या है भाई जो डैमेज है ना वो सिर्फ और सिर्फ वीड्स की वजह से नहीं होता डैमेज जो है दूसरी चीज़ पे आते हैं हम डैमेज हमारा इंसेक्ट्स की वजह से भी होता है और एट द सेम टाइम पेस्ट की वजह से भी होता है ठीक है पेस्ट कौन से होते हैं चूहे देखे होंगे आपने रोडेंट्स होते हैं चूहे लग गए ठीक है एंड और भी बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पूरे खेत को डिस्ट्रॉय कर देते हैं पूरी क्रॉप्स को खा जाते हैं ठीक है ना अब इंसेक्ट्स है इंसेक्ट्स के बारे में भी आप लोगों को पता है कैटरपिलर का एक्जाम्पल दिया था मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर तो कैटरपिलर क्या है कि इंसेक्ट कितना काम कर रहा? ठीक है तो ये सारी चीज़ें हैं अब ये कैसे नुकसान देगा किस तरह से जो है ये प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करता है सबसे पहले किस चीज़ को कट करेगा आइधर तो ये रूट्स को कट कर देगा ठीक है आइधर इसने स्टेम को कट कर दिया आइधर ये क्या कर रहा है लीफ को कट कर रहा है तीन तरीके से अटैक कर रहा है कुछ भी हो सकता है इंसेक्ट है तो ऑब्वियसली बात है सबसे पहले इंसेक्ट कहाँ अटैक करेगा लीफ के ऊपर अटैक करेगा ठीक है लीफ खत्म हो गई तो स्टेम पे आ जाएगा स्टेम खत्म हो जाएगा तो रूट पे आ जाएगा बट अगर पेस्ट का देखा जाए तो पेस्ट सबसे पहले अटैक कहाँ करेगा रूट्स पे करेगा ठीक है तो दूसरा क्या होता है ये सब कर लेते हैं सारा सेल्स एप सेल्स एप से मतलब क्या है हमारा सेल सैप का मतलब है वो साइटोप्लाज्म वो वाटर मॉलिक्यूल वो मॉइस्चर जो मेरे सेल को चाहिए होता है सेल के अंदर की जो न्यूट्रिएंट चीज़ें होती हैं वो ठीक है अब उसी को अगर सक कर लेगा तो अब देखो खाई हुई चीज़ है उसको मैं खा रही हूँ तो मेरे लिए तो कोई बेनिफिशियल ही नहीं है ना मेरे लिए कोई भी काम नहीं है ठीक है और तीसरा और सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या होता है ये बोर कर जाते हैं ठीक है बोर करते हैं इन टू देखो ये कहाँ बोर कर जाएंगे ये बोर मतलब बोर करने का मतलब होता है घुस जाते हैं पूरी तरह से फ्रूट्स के अंदर डेवलप हो जाते हैं फ्रूट्स के अंदर बैठ जाते हैं जाके आपने देखा भी होगा बहुत सारे ऐसे जो है आ, वो होते हैं कीड़े बोलते न, हैं ना कीड़े हैं इंसेक्ट्स लग जाते हैं ठीक है रिसेंटली बताऊँ तो अभी रिसेंटली हम लोगों के घर में मैंगोज आए थे यूजुअली कहा जाता है कि मैंगोज में कोई कीड़ा नहीं होता बट वेन आई ओपन दैट मैंने उसको जैसे ही पीयरस किया तो उसमें बहुत सारे कीड़े थे ठीक है और सिर्फ एक मैंगो में नहीं थे जितने भी मैंगो मैंने उसके बाद काटे होंगे उन सब मैंगोज़ के अंदर क्या थे कीड़े थे तो देखो इंसेक्ट्स ने क्या करा इंसेक्ट्स जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा लॉस अब अमरूद अपने गुआवा का एग्जाम्पल आपको पता है गुआवा में लगे होते हैं टमाटो टमाटो के अंदर भी जो है जर्म्स हमें पाए जाते हैं तो ये सारी चीज़ें इस तरह से ये जो क्या करेगा हमें नुकसान पहुँचा ठीक है सो अब अगर मुझे इनसे क्या चाहिए ट्रीटमेंट करना है मुझे इनको ट्रीट करना है तो मेरे पास दो ही चीज़ें हैं इंसेक्ट्स के लिए मैं क्या यूज़ करूँगी इंसेक्टिसाइड्स हम यूज़ कर सकते हैं ठीक है और पेस्ट के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं पेस्टिसाइड्स यूज़ कर सकते हैं दोनों के लिए आपने केमिकल स्प्रे ले लिया मार्केट से बहुत ईजीली अवेलेबल हो जाएगा और अपनी क्रॉप्स के ऊपर आप उनको स्प्रे कर सकते हो जैसे ही क्रॉप्स के ऊपर आप स्प्रे करोगे तो वहाँ से जो क्या हो जाएगा आपके वो इंसेक्ट्स भी नहीं आएंगे रोडेंट्स भी नहीं आएंगे और पेस्ट भी नहीं आएंगे ठीक है तीसरी जो है हार्मफुल चीज़ होती है दैट इज़ द डिज़ीज़ अब जो है प्लांट्स को डिजीज़ भी हो जाती है ठीक है ना डिजीज़ किसकी वजह से होगी पैथोजन की वजह से अब पैथोजन क्या होता है ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है ये पैथोजन वो एंटीजन हो जाएगा ठीक है ये एंटीजन हो जाएगा या वायरस हो सकता है या फंगस हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है मतलब पैथोजन का मतलब क्या है कि कोई भी बाहर का एंटीजन है बाहर की एंटीबॉडी है आउटर बॉडी है वो मेरी बॉडी में घुस करके उसको क्या कर रही है डिजीज़ कॉज कर रही है तो इस तरह से हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है एक पैथोजन है जिसने मेरे फूड के अंदर मेरी क्रॉप्स को अंदर जा करके उनको क्या करा है डिजीज़ करा दिया ठीक है ना तो ये सारी चीज़ें हैं अब इनसे लिए अब डिजीज़ को ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे अगेंस्ट हम वही सारी चीज़ों को प्रोवाइड करेंगे वही सारे ट्रीटमेंट देंगे इंसेक्टिसाइड्स दे सकते हैं हर्बी दे सकते हैं तो यहाँ पर अब आपने सुना होगा ना हरबी साइड से एक ऐसा केमिकल होता है जो कि हर्ब्स के अंदर काम आता है ठीक है छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं उनमें काम आता है हर्बी साइड्स हो गया इंसेक्टीसाइड्स हो गया, गया पेस्टिसाइड्स हो गया इन सब से ट्रीट करोगे तो हमारी जो क्रॉप है वो पूरी तरह से क्या होगी बिल्कुल प्रॉपर हो जाएगी सो बाय दिस देखो अब तक हमने क्या करा क्रॉप का मैनेज कर लिया है ठीक है मैनेज करने के अंदर एक चीज़ अभी हमने देखी है कि भाई उसको डैमेज नहीं होने देना तो अब फार्मर ने क्या करा डैमेज तो नहीं होने दिया दूसरी दिक्कत क्या आ गई उसको स्टोरेज में ठीक है तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने स्टोरेज के बारे में कि स्टोरेज करते वक्त किस तरह से जो है फार्मर को क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती हैं या फिर स्टोरेज करते वक्त किस तरह से मेरी जो क्रॉप्स है वो ख़राब हो सकती हैं तो कमिंग टू दिस पॉइंट देखो स्टोर करना ठीक है और अगर मैं स्टोर करूँगी तो यहाँ पर भी मेरी मैक्सिमम जो क्रॉप होती है वो सड़ जाती है गल जाती है खराब हो जाती है और उसके फैक्टर्स क्या हैं देखो फैक्टर्स के बारे में देखूँगी तो दो ही फैक्टर्स आते हैं मेरे पास एक आ जाएगा ए फैक्टर ठीक है ना और एक मेरे पास क्या आ गया है बायोटिक फैक्टर आ गया है ए बायोटिक फैक्टर के बारे में बता चुकी हूँ ए बायोटिक फैक्टर कौन से होते हैं जैसे मॉइस्चर हो गया आपके पास ठीक है टेम्परेचर ज़्यादा है सॉयल अच्छी नहीं है तो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हो जाएंगे जो ए बायोटिक होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं और बायोटिक वो होते हैं जो लिविंग होते हैं ठीक है अब देखो क्या हुआ ना एक सिंपल सी एक कहानी ले, ले लेते हैं एक टाइम था और एक टाइम में फार्मर था मेरा क्या था फार्मर था उसने सारी क्रॉप को क्या करा हार्वेस्ट कर लिया और हार्वेस्ट करने के बाद उसने जो है उसको एक गोडाउन में जाके रख दिया ठीक है यहाँ पे जाके उसने अपनी जो इतनी भी उसकी क्रॉप आई होगी उसने वहाँ पे जाके उसको स्टोर पे रख दिया एंड देन उसके बाद उसने दो तीन दिनों तक तो उस पर ध्यान ही नहीं दिया हुआ क्या अब इसके अंदर उसने देखो सबसे बहुत इजी सी बात है ना दो तीन दिनों बाद जब वो देर दरवाज़ा खोलता है तो उसने क्या देखा कि लॉट्स ऑफ राइड्स आर कमिंग आउट ऑफ दैट रूम मीन्स उसमें से बहुत सारे राइट्स बाहर आ रहे हैं रोडेंट्स बाहर आ रहे हैं कीड़े मकोड़े निकल के बाहर आ रहे हैं ठीक है राइट्स आ गए मतलब पेस्ट आ गए उसके अंदर बहुत सारे पेस्ट लग गए थे अभी जो आप लोगों ने रिसेंटली न्यूज़ देखा होगा टिड्डी के बारे में आप सुन रहे हो अभी ठीक है कि टिड्डियाँ जो है दिल्ली में भी उन्होंने इन्वेड कर दिया है अब दिल्ली में भी आ गई है चली तो वो कहाँ से थी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से उन्होंने स्टार्टिंग किया था एंड अब अब वो कहाँ आ गई हैं पेस्ट वो सारे के सारे अब हमारे फार्मर्स पर आ गए दिल्ली के अंदर भी आ गए हरियाणा में पहुँच गए द्वारका में पहुँच गए अलग अलग एरियाज़ में तो उनसे भी बचाना है ठीक है अब मतलब इंसेक्ट्स इंसेक्ट्स भी नहीं आने देने पेस्ट भी नहीं देना रोडेंट्स को भी नहीं आने देना है तो इनसे हम कैसे बचाव कर सकते हैं तो इनसे बचाव करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है या फार्मर ने क्या करा फार्मर सबसे पहले क्या करेगा जितनी भी उसके पास क्रॉप आएगी ना उस क्रॉप को कहाँ दे देगा वो सन के अंदर दे, दे देगा ठीक है मतलब ले लो कि यहाँ से सन है मेरा और ये सन के पास एनर्जी आ रही है सारी की सारी जो क्रॉप है मेरी यहाँ पे ड्राई अप हो रही है और ड्राई हो जाएगी तो जितना भी इसके अंदर मॉइस्चर होगा वो सारा का सारा मॉइस्चर क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा और द वंस द मॉइस्चर हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम एनी काइंड ऑफ क्रॉप्स देन अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया फंगस ईस्ट ईफ ठीक है दीज ऑल ऑर्गेनिजम्स कान इफेक्ट माइक्रोब्स तो आपने तो सुना भी होगा ईस्ट हो गया फंगस हो गया घमोरी वगैरह ये जितने भी सारे होती हैं ये सारी सिर्फ और सिर्फ तभी आती हैं जब आपको मॉइस्चर मिलेगा और जब मॉइस्चर ही नहीं मिलेगा तब नहीं आएगा सेकेंड चीज अगर कहीं भी कोई भी चीज़ सड़ नहीं रही गल नहीं रही तो मेरे जो रोडेंट्स हैं वो भी नहीं आएंगे तो इस तरह से स्टोरेज करना चाहिए स्टोर करते हैं कहाँ स्टोर करते हैं हम ग्रेनरीज के अंदर स्टोर करते हैं कहाँ स्टोर करते हैं ग्रेनरीज बड़े बड़े जो है सीलोज होते हैं बड़े बड़े कट्टे होते हैं टैंक्स हम बनवा देते हैं इसके अंदर रख देते हैं और ये जो सीलोज होते हैं इनको हम एलुमीनियम से बनाते हैं किससे बनाते हैं हम इनको एलुमिनियम से तो ये एक तरह का प्रोसेस है जहाँ पर हम जो है फार्मर जो है बहुत अच्छे से क्या कर सकता है उसकी प्रिवेंशन कर सकता है बहुत अच्छे से जो है यहाँ पर उसकी वो कर सकता है सो दिस इज़ दस मेरा जो है मैनेजमेंट भी हो गया है तीन पॉइंट्स हमने पढ़े थे कि वैरायटी होनी चाहिए एक सेकंड मैंने कुछ और ही लिख दिया फ़र्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा था कि क्रॉप के अंदर वैरायटी अच्छा होना चाहिए वी हैव डन सेकंड उसने बोला न्यूट्रिएंट्स को भी मैनेज करना है ये भी हम चीज़ कर चुके हैं तीसरा उसने क्या बोला कि हमने प्रोटेक्शन देनी है उनको ठीक है तो दिस वी हैव डन सो अभी तक मेरा जो एक चैप्टर है एक चैप्टर का आधा पोर्शन ख़त्म हो गया है सो so, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी सेकेंड के ऊपर सेकेंड अपनी जो है सेकेंड स्लाइड के ऊपर स्टार्ट करेंगे और सेकेंड टॉपिक जो है बचा है इसका दैट इज द एनिमल हस्बेंड्री ठीक है सो so, आप लोग फाइव मिनट्स में घूम के आ जाओ एक बार राउंड ले लो एंड देन वी विल स्टार्ट विद दिस विदिन फाइव मिनट्स ठीक है स्टार्ट so करते हैं अपना एनिमल हस्बेंड्री को जस्ट एक सेकेंड मैं टाइम देख लूँ कि ज़्यादा लंबी ना हो जाए हाँ सिक्सटीन मिनट्स की हुई है इट्स ओके सो अभी देखो यहाँ पे हम जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना एनिमल हस्बेंड्री तो एनिमल हस्बेंड्री पे आते हैं एनिमल हस्बेंड्री क्या है सो so एक्जैक्टली exactly मेरे पास क्या है एक एग्रीकल्चर मतलब एक ब्रांच है एग्रीकल्चर की ही बेसिकली जो डील किससे कर रही है डील कर रही है विद द फीडिंग शेल्टर हेल्थ ब्रीडिंग ये सारी चीज़ें और ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड डोमेस्टिक एनिमल से ठीक है लाइफ स्टॉक हो गया इन सब चीज़ों से डील करेगा तो अगर हम मैं देखूँ तो भाई क्या है एनिमल हजबेंड्री एट्थ क्लास में हमने क्या पढ़ा था हमने दो टर्म्स पढ़े थे रियरिंग कर रहे हैं हम ठीक है रियरिंग कर रहे हैं और किन का रियरिंग हम कर रहे हैं लाइव स्टॉक का लाइफ स्टॉक मीन्स वो सारी ऑर्गैनिजम्स का जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं उनका ख्याल रख रहे हैं उनको खाना प्रोवाइड कर रहे हैं उनको शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी देखभाल करी कर डिजीज़ है तो उनको हम वेटेनरी डॉक्टर्स के पास लेके गए हैं मतलब सारी वो केयर करी जाती है उनको भी मैनेज करा जा रहा है जिस तरह से हमने क्रॉप के ऊपर ध्यान दिया ठीक है सोना दस एनिमल हस्बेंड्री में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं सबसे पहले हम फीडिंग कर रहे हैं भाई उनको खाना दे रहे हैं उनको शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं डिजीज़ है तो उनके अगेंस्ट उनकी, उनकी केयर देखभाल भी करी जा रही है एंड चौथा क्या है उनकी ब्रीडिंग करा रहे हैं ब्रीडिंग का मतलब आपको याद आ जाना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन बोला है जहाँ पर हम क्या करते हैं बेसिकली हम डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स को आपस में फ्यूज़ करा, करा देते हैं आपस में फर्टिलाइज़ करा देते हैं सो दैट वो क्या कर सके हमारे लिए एक थोड़ी सी हेल्पफुल बन सके ठीक है अब तो कैटल के बारे में आते हैं सबसे पहले जो अब एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात करेंगे हम कैटल फार्मिंग के बारे में बात करेंगे ठीक है कैटल फार्मिंग जो है क्या है और किस तरह से जो है जुड़ी हुई है हम लोगों से उसके देखेंगे थोड़ा सा और कैटल फार्मिंग देखते हैं क्या है कैटल फार्मिंग हम दो ही चीज़ों के लिए करते हैं एक तो मिल्क के लिए करते हैं और दूसरा हमें क्या चाहिए लेबर चाहिए ठीक है अब भाई हम तो हिंदू हैं हम तो काओ का मीट खाते नहीं तो हम काओ को दूसरी तरह से कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं लेबर हम करा सकते हैं लेबर का मतलब है ना उनसे थोड़ा सा मेहनत वाला काम कराते हैं जो हम लोग नहीं कर सकते तो आप लोगों ने आप लोगों ने देखा भी होगा पढ़ा भी होगा सुना भी होगा जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं फार्मर्स बेसिकली काओ को बफलोस को काफ को यूज़ करते हैं ताकि वो जो है प्लफिंग में हमारी हेल्प कर सकें ठीक है ना खुदाई करनी है या प्लफिंग करनी है सोइंग करानी है किसी भी चीज़ की सीड्रल मैकेनिज्म है तो इन सारी जगह ट्रैक्टर्स को ना यूज़ करते देखो तो बहुत सारे फार्मर्स होते हैं जो गरीब होते हैं दे आर नॉट हैविंग दैट मच ऑफ मनी नहीं है कि वो इतने हैवी इक्विपमेंट्स हैवी यूज़ कर सके तो इन दैट केस दे वट यूज़ काटल काटल यूज़ करते हैं उस केस में तो लेबर वाला वर्क तो आपको समझ में आ गया होगा ठीक है एंड सेकेंड जो है कैटल को कहाँ यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क भाई हमें गाय से या किसी भी काव से एक ही चीज़ मिलती है और वो क्या है हमारे पास सिंपल सी मिल्क है ठीक है तो अभी थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं फिर मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी थोड़ी बहुत अब जब कैटल फार्मिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं हमने किसके बारे में बात करी है कैटल फार्मिंग के बारे में जब हम कैटल फार्मिंग के बारे में, बारे में बात कर रहे हैं तो ये तो रीज़न तो बता दिया कि या तो हम लेबर के लिए काम कर रहे हैं या तो हम मिल्क के लिए काम ठीक है अब इसमें क्या करा कि जो काटल है इसमें एक एग्जाम्पल देती हूँ स्पीशीज़ थी ठीक है स्पीशीज़ थी और दो स्पीशीज़ थी हमारे पास दो स्पीशीज़ में क्या थी एक काओ की स्पीशीज़ थी ठीक है काओ की स्पीशीज़ को हम क्या बोलते हैं बॉस इंडिकस ये वर्ड्स आपकी बुक्स में एन में दे रखे हैं मैंने वहीं से लिए हैं तो कंफ्यूज मत हो जाना थोड़ा सा नीट एंड क्लीन लिख देती हूँ दो तरह की होती हैं एक होता है बोस इंडिकस ठीक है इंडिकस से समझ जाना इंडिकस इट इज़ यूज ओनली फॉर इंडिया और दूसरी मेरे पास क्या है बोस ब्यूबालिस दैट इज ब्यू बालिस बोस ब्यूबालिस और ये ब्यूबालिस क्या है बफलोस के लिए यूज़ किया जाता है तो दो आपके पास आ गई बोस इंडिकस है ये हैओं के लिए यूज़ किया गया है बॉस ब्यूबालिस है ये किसके लिए यूज़ किया गया दैट इज़ यूज फॉर दी बफलोस ठीक है तो ये अब तक तो था सिंपल सा अब देखो यहाँ पर क्या हुआ ना कि अब हमें क्या चाहिए मिल्क चाहिए एक चीज़ और याद रखना जो कैटल होती है वो हमें लाइफ टाइम तक मिल्क नहीं देती है मिल्क देने का भी एक स्पेशल पीरियड होता है ठीक है ना और उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं उस पीरियड को हम बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड क्या बोलेंगे उसको हम लैक्टेशन पीरियड ये चीज़ याद रखना कि एक जो है लैक्टेशन पीरियड होता है लैक्टेशन का मतलब ही होता है प्रोडक्शन ऑफ़ मिल्क इसका मतलब क्या होता है मिल्क प्रोडक्शन कि भाई किसकी प्रोडक्शन हो रही है मिल्क की प्रोडक्शन हो रही है ठीक है ना इसको बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड इस पीरियड के दौरान मेरी जो काउ है उसने क्या करा है एक नई काफ को एक नए बछड़े को जन्म दिया है और आफ्टर गिविंग द डिलीवरी टू वन ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी में चेंजेस हो जाते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं लैक्टेशन ठीक है और उस पीरियड के दौरान मेरी जो गाय है वो दूध देना शुरू करती है मिल्क देना जो है स्टार्ट करती है ये हुई अब तक की कहानी अब देखो कुछ जो है काओ होती है उन काउज के अंदर क्या किया जाता है इस लैक्टेशन पीरियड को इंक्रीज़ करा दिया जाता है ठीक है ना बहुत सारे केमिकल से ट्रीटमेंट करा दिया है कुछ करा दो अब लैक्टेशन पीरियड इंक्रीज़ कर जाएगा तो ये क्या देगी मिल्क जो है ज़्यादा टाइम तक देगी ठीक है तो जो कावज़ होती हैं जो मिल्क प्रोड्यूस करती हैं ठीक है उनको क्या बोलते हैं उनको बोलते हैं मिल्च एनिमल्स ये याद रखना स्पेलिंग मिल्च एनिमल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके वर्ड्स ठीक है ये मिल्क एनिमल्स होते हैं जो कि बेसिकली क्या प्रोड्यूस करती हैं मिल्क प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग काउज़ होती हैं उनको हम बोलते हैं मिल्च एनिमल्स ठीक है और दूसरे होते हैं मैंने अभी आपको बताया था कि भाई कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कुछ काउज़ ऐसी होती हैं बफलोज़ ऐसी होती हैं जो कि जो है सिर्फ़ और सिर्फ किस लिए काम आती हैं लेबर वर्क के लिए काम आती हैं किस लिए काम आ रही है लेबर वर्क के लिए काम आ रही है और जो लेबर वर्क के लिए काम आती है उनको हम क्या बोलते हैं ड्रॉट क्या बोलते हैं उनको हम ड्रॉट बोलते हैं मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ डी आर ओ यू जी एच टी ड्रॉट बोलते हैं ड्रॉट मतलब सूखा ठीक है अगर आप इंग्लिश के वर्ड्स पे जाओ तो सूखा सूखा मतलब दे आर नॉट फर्टाइल ये किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकते और जब बच्चे को जन्म नहीं देते हैं तो वो क्या काम कराएंगे लेबर का काम कराते हैं ठीक है तो आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा कि लैक्टेशन पीरियड क्या है और लेबर वो क्या है अब आते हैं कि भाई कुछ काउज़ ऐसी होती हैं जिसके अंदर जो है फार्मर्स क्या करते हैं लैक्टेशन पीरियड को इंक्रीज़ करा देते हैं ठीक है ना और लैक्टेशन पीरियड को इंक्रीज़ uh, कराते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें कराते हैं तो वो किस मेकानिज़म से कराते हैं ब्रीडिंग मकानिज़म ये तो अभी हमने कल ही पढ़ा है ब्रीडिंग मैकेनिज्म क्या होता है एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं कि भाई मैं चाहती हूँ कि मेरी जो कावा वो मिल्क भी अच्छा दे और साथ में वो डिज़ीज़ रेजिस्टेंस भी हो मींस उसको जो है कोई बीमारी भी ना हो तो ये चाहिए मुझे दोनों चाहिए तो इसके लिए मैंने क्या ले लिया इसके लिए मैंने एक फ़ौरन ले ली ठीक है एक फ़ॉरन की ब्रीड ले ली और फ़ॉरन की ब्रीड कौन सी ली है जर्सी इसका मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत अच्छा होता है और एक मैंने क्या ले लिया लोकल ब्रीड ले लिया रेड सिंधी ले लिया आप रेड सिंधी ले लो या जो है आप सही वाल ले लो दोनों में से कोई भी ब्रीड ले सकते हो जब इन दोनों को आपस में फ्यूज़ कर दोगे तो मेरे पास एक न्यू ऑर्गेनिज्म आ जाएगा न्यू काउ आ जाएगी और उसके पास दोनों ही करेक्टर्स होंगे कि उसका जो मिल्क प्रोडक्शन होगा वो भी अच्छा होगा क्वालिटी भी अच्छा होगा क्वांटिटी भी अच्छा होगा टाइम पीरियड भी लैक्टेशन का अच्छा होगा एंड एट द सेम टाइम जो डिजीज से रेजिस्टेंसी है वो भी अच्छा होगा ठीक है तो इस तरह से हम क्या करते हैं ब्रीडिंग करते हैं जो लास्ट टॉपिक आपने देखा था ब्रीडिंग का ये हमारे इस तरह से यूज हो जाते हैं ठीक है सो so, अब तक तो ये रहा अब देखो टेक हमें देखभाल करनी है काओ है तो काओ हमें इतनी सारी चीज़ दे रही है बफलोज दे रही है कैटल हमारी इतनी सारी चीज़ दे रही है तो हमें क्या करनी है इनकी देखभाल भी करनी है तो टेक केयर में हमें क्या करना है इनको खाना अच्छे से प्रोवाइड करना है हमें क्या करना है इनको खाना जो है अच्छे से प्रोवाइड करना है शेल्टर अच्छा देना है इन्हें ठीक है क्लिनिंग होनी चाहिए इनको रेगुलर इंटरवल्स पर इनकी साफ़ सफाई होनी चाहिए ब्रशिंग करना चाहिए इनकी बॉडी के ऊपर पूरी तरह से बॉडी भी क्लीन करनी चाहिए बॉडी के ऊपर जो है पैरासाइट्स ना लग जाए एक्टो पारसाइट्स, एंडो पारसाइट्स ये ना लगे उन सब चीज़ों का भी देखभाल हमें करना होता है ठीक है तो अब आते हैं देखो खाना अब किस तरह का हमें देना चाहिए उस पर आता है टेक केयर में सबसे पहली चीज़ मेरी क्या आती है फीडिंग पे आती है कि भाई अगर हमारे इसके बारे में फूड रिक्वायरमेंट्स को देखें ठीक है तो अगर मैं फूड रिक्वायरमेंट्स को देखती हूँ तो क्या क्या खाना मेरे हिसाब से या साइंस के हिसाब से क्या देना चाहिए दो तरह की चीज़ों को फुलफ़िल करता है एक तो करेगा मेंटेनेंस की नीड को फुलफिल करेगा ठीक है स्पेलिंग आई नो दैट यहाँ पे थोड़ी बहुत स्पेलिंग ऊपर नीचे हो सकती है आप लोग मैं सही कर देती हूँ कहीं आप लोग बोलो कि भाई स्पेलिंग गलत थी ठीक है ना मेंटेनेंस हम ध्यान रखते हैं यहाँ पे मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है भाई उन सारी चीज़ों को देना होता है देन उसने क्या बोला कि इस चीज़ की ज़रूरत होगी न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं और खाना भी क्या चाहिए उनको अच्छा ही चाहिए न्यूट्रिएंट्स भी देने होते हैं न्यूट्रिएंट्स किसके लिए चाहिए होते हैं ताकि जो मिल्क की क्वालिटी है वो हम अच्छी प्रोडक्शन करें वो सब चीज़ें करें अब चौथी या तीसरी पॉइंट पर बात करते हैं ये वन था ये टू था ठीक है फीड के अंदर मतलब अगर खाना देना है तो उस फीड के अंदर क्या होना चाहते देखो बेटा इसके लिए मेरे पास एक स्लाइड है आप लोगों के पास येस यस देखो यहाँ पे उसने बोला हुआ है कि किस तरह का जो है खाना रिक्वायरमेंट्स कैसे होते हैं तो रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले चीज़ सॉरी यहाँ पे सबसे पहले चीज़ क्या आ गई मेंटेनेंस के रिक्वायरमेंट आ गई यहाँ पे फूड जो है जो उनकी बॉडी को मेंटेन करने में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को पूरी तरह से यह वो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा मीन्स फिजिकल करेक्टर अच्छा होगा सेकेंड क्या है मिल्क प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जो कि इनका लैक्टेशन पीरियड जो है वो अच्छे से हो वो सारी चीज़ों के बारे में इस तरह की जो है रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए ठीक है देन इसके बाद थोड़ा सा नीचे जाते हैं एंड देन यहाँ पे देखो यहाँ पे दे रखा है मैं थोड़ा सा इसको स्क्रीन को थोड़ा सा और यहाँ पे कर देती हूँ यू विल बी एबल टू सी प्रॉपरली देखो कैटल को किस तरह का जो है फीड प्रोवाइड करना चाहिए क्या क्या खाने में होना चाहिए तो सबसे पहले याद रखना रफेज होना चाहिए रफेज में एक चीज़ होनी चाहिए फाइबर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए सो so दैट वो उन सारी चीज़ों को ईजिली प्रॉपर्ली मास्टिकेट कर सके डाइजेस्ट कर सके फोडर होना चाहिए ग्रीन घास होनी चाहिए सिलेज होना चाहिए लेग्यूम्स भी होने चाहिए भाई लेग्यूम्स जो है बैक्टीरिया की तरह काम करेगा ठीक है अगर आप लोगों को पता हो जो कैटल होते हैं रोमिनंट्स होते हैं इनकी बॉडी के अंदर इनके व्यूमिन के अंदर जो है फर्टिलाइजे फर्मेंटेशन uh, होती है बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो कि सेल्यूलोर्स को डाइजेस्ट करता है ठीक है तो ये सारी चीज़ें उनके खाने में इन्वॉल्व होना चाहिए देन उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि जो मैं इसको थोड़ा तो सा तो नीचे कर देती हूँ कंसनट्रेट्स के अंदर भी जो फाइबर होता है वो इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए लो होना चाहिए पर न्यूट्रिएंट ज़्यादा होने चाहिए उसके अंदर ठीक है तो ये सारी चीज़ें भी हमें देनी होती है काउस को तो ये ध्यान रख के ही जो है उनका खाना पीना सब चीज़ों का ध्यान जो है रखा जाता है देन उसके बाद अगर देखेंगे हम बिल्कुल जो है नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं कुछ जो मेरी काउज़ होती हैं उनको डिजीज़ हो जाती हैं तो उन डिज़ीज़ से भी हमें बचाना होता है अब डिज़ीज़ होंगी तो दो ही दो ही चीज़ें जो है निकल के आ सकती हैं डिज़ीज़ होगी तो, तो डिज़ीज़ जो है देखो एक सेकेंड रुक जाओ डिजीज़ है तो डिजीज़ से आइधर डेथ भी हो सकती है और दूसरा क्या है कि जो मिल्क प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाएगी डाउन हो जाएगी तो इन सब चीज़ों से बचा के रखना है अभी पैरासाइट्स का नाम लिया एक्टो पैरासाइट्स होते हैं जो बॉडी के ऊपर लग जाते हैं जैसे तो टिक्स हो गया माइट हो गया लाइस हो गया और इंटरनल पैरासाइट्स है जो जो लेवर में जाके अटैक करते हैं ठीक है तो इन सब से भी बचाना चाहिए हमें बचाना होता है अगर ऐसा कुछ कैसे तो हमें वेटनरी डॉक्टर्स के पास इमीडिएटली रन करना होता है ठीक है इन्फेक्शस डिजीज़ ना हो पैथोजेंस ना हो जाए नॉन कम्युनिक डिजीज़ तो कोई भी हो सकती है इन्फेक्शस हो सकती है कम्युनिकेबल हो गई नॉन कम्युनिकेबल हो गई लीथल डिजीज़ भी हो सकती हैं ठीक है तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ करा है लीथल एक सेकेंड यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया लीथल लीथल होता है डेंजरस जो अल्टीमेटली किसको लीड करेगा डेथ को लीज करेगा तो ऐसी जो डिजीजेज़ होती हैं उनके लिए तो सबसे ज़्यादा हमें प्रेक्र रहना चाहिए देखभाल जो है इन एनिमल्स की भी करनी चाहिए ठीक है अब है हैं जो कैटल हस्बेंड्री है बेसिकली क्या है तो ये इतना इंपॉर्टेंट स्लाइड नहीं है ये गलती से ही आ गया आप लोगों के पास ठीक है सो दिस इज़ अब देखो यहाँ पे कुछ स्पीशीज़ आर दैर यहाँ पे हेयर फॉड है ये हमारी जो है क्या है एग्जॉटिक स्पीशीज़ है एक्जॉटिक स्पीशीज़ भी बाहर में पाई जाती है देन उसके बाद दिस इज जर्सी जो भी हमने एग्जाम्पल लिया था इंग्लिश चैनल्स बेसिकली है ठीक है uh, इसे जर्सी बोलते हैं और हाई कंपोनेंट मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है क्रॉस ब्रीडिंग में काम आती है ठीक है ना तो ये चीज़ें याद रखनी है आप लोगों को देन उसके बाद स्विस ब्राउन स्विस देयर ये भी क्या है एक मेरे पास जो है सहीवाल जो अभी बोला था कि सहीवाल जो है किस लिए यूज़ होता है देखो इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं ये देख लेना मिल्क हेल्डिंग अच्छी होती है टेक और पैरासाइट से रेजिस्टेंस होता है हीट टॉलरेंस बहुत अच्छा होता है सूखा है तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी टेम्परेचर अच्छा होता है टेम्परामेंट अच्छा होता है मीट अगर देखा जाए तो वो भी अच्छा दे देता है ठीक है तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें देता है देन उसके बाद एक लास्ट मेरे पास है रेड सिंधी इसके बारे में भी आपने बता, आपको बताया है बेटा इन सब के बारे में ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को नहीं जाना है सिंस यू आर इन नाइन्थ क्लास तो नाइन्थ क्लास में इतना डिटेल में आप लोगों के लिए कंटेंट नहीं है ठीक है तो अब तक ये मेरा हो गया कैटल फार्मिंग ओवर हो गया इसके बाद अब आते हैं पोल्ट्री फार्मिंग के ऊपर ठीक है तो अब मेरे पास दूसरा स्टार्ट होता है दैट इज़ दी पोल्ट्री फार्मिंग अब पोल्ट्री फार्मिंग क्या होता है क्या क्या नहीं होता है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे पोल्ट्री का मतलब होता है फ़ाउल्स ठीक है hens हो गया फाउल्स ले लो ये सब चीज़ें होती हैं फाउल हो गया फ़ाउल से हमें क्या मिलता है एग मिलता है ठीक है आम दो चिकन होता है चिकन हमें क्या प्रोवाइड करेगा मीट प्रोवाइड करेगा तो इन दो चीज़ों के लिए क्या किया जाता है अगेन फार्मिंग करी जाती है और किसकी फार्मिंग की जाती है मुर्गियों की फार्मिंग कर जाती है मतलब पोल्ट्री की जाती है ठीक है आप देखो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ें पढ़नी हैं जो हम अभी कल्टल फार्मिंग में पढ़ के आए हैं कि सबसे पहले क्या करा हमने इनके साथ हमने भी ब्रीड्स यहाँ पे देखे तो यहाँ पे अगर हम ब्रीड देखते हैं तो हमने ब्रीडिंग कराई ब्रीडिंग किसके बीच में कराई एक इंडियन स्पीशीज़ थी असील एक इंडियन स्पीशीज़ थी असील थी और एक मेरी जो है फ़ॉरन थी लेग हॉर्न ठीक है लेग हॉर्न जो है मेरे पास फॉरन स्पीशीज़ थी उनके बीच में हमने कराया एंड उस उन दोनों के बीच में क्रॉस कराने के बाद ब्रीड कराने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे पास आ गई ठीक है तो सबसे पहले उसने क्या बोला कि जो नंबर ऑफ क्वालिटीज़ थी ठीक है तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वालिटीज़ इंक्रीज़ हो गई है ब्रॉयलर्स ब्रॉयलर्स है, होते हैं ब्रॉयलर्स बेसिकली होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीट ठीक है ना हाँ एंड समर की मतलब टेम्परेचर हाईली कर सकते हैं बहुत अलग अलग चीज़ें जो हैं हमें मिल रही हैं मतलब ये ब्रिडिंग कराने का क्या बेनिफिट्स होता है तो वो सब चीज़ें आप लोगों को देखनी है ठीक है मेंटेनेंस भी इतनी ज़्यादा देखभाल भी नहीं करनी पड़ती है इन सब के लिए तो ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी वही हो जाएंगी एंड द सेम टाइम जिस तरह से हमने जो है फूड रिक्वायरमेंट्स भी इनको चाहिए होता है विटामिन सी चाहिए होता है बेसिकली तो सो दैट जो है क्या करके देखो इनका याद रखना कि इनको जो है क्या देना होता है विटामिन सी विटामिन सी खाने में देना बहुत ज़रूरी हो जाता है सो दैट इनका जो चिक का जो मीट है वो बहुत अच्छा हो और न्यूट्रिशियस हो सेम जैसे हमने कैटल फार्मिंग के अंदर बात करी है अभी बिल्कुल वैसे ही है इनको भी प्रॉपर टेक केयर की जरूरत होती है इनको भी डिजीज़ रेजिस्टेंस रखना होता है हमें डिजीज से बचा के रखना होता है सेम चीज़ें फॉलो करेंगे इनकी भी प्रॉपर फ़ूड की रिक्वायरमेंट्स होती हैं फ़ूड रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती है अन अलग अलग चीज़ें तो यहाँ पे फार्मिंग का मतलब क्या है? देखो फार्मिंग का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आपने उगा दिया उन चीज़ों को ग्रो करा दिया एंड छोड़ दिया उसके हाल पे। फार्मिंग का मतलब होता है बेसिकली आप उन सारी चीज़ों के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो जो जो भी चीज़ें आपको चाहिए हैं भले चाहे वो मीट हो भले चाहे वो जो है एग हो पर हाँ यस yes, देखो एक बात को याद रखो अगर आप एग अच्छी क्वालिटी का नहीं खाओगे तो उससे न्यूट्रिशनस कोई मिल नहीं रही ठीक है एट द सेम टाइम अगर हम मीट भी खा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन के लिए और वो न्यूट्रिशन के लिए ही जो है फार्मर्स क्या करते हैं फार्मर्स पूरी तरह से उनका देखभाल करते हैं ठीक है सो so, अब जो है ना बिल्कुल छोटा सा पॉइंट हमारा रह रहा है देन कम अब देखो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं आप लोग के लिए उसको देख लेते हैं एक बार पोल्ट्री फार्मिंग है पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब क्या है उसको देख लेते हैं एक बार कि क्या कहना चाहता है ये रेजिंग ऑफ बर्ड्स डोमेस्टिकली हो गया कमर्शियली ठीक है डोमेस्टिकली मीन्स जो हमारे घर पे होती हैं उनको कमर्शियली मीन्स अगर हमें बेचना हो दो ही चीज़ों के लिए किया जाता है मीट और एग के लिए ठीक है फैदर्स के लिए करते हैं फेदर्स जो है उससे हमारे कपड़े बनते हैं बेसिकली चिकन्स हो गया टर्की हो गया डक्स हो गया घीज हो गया ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं हमारे पोल्ट्री के अंदर आ जाते हैं ठीक है ये सारी है, पिजन्स हो गया लोकल इंटरेस्ट की ये सारी चीज़ें हैं तो इनकी फार्मिंग अगर हम कर रहे हैं फॉर द फूड वैल्यू और प्रोसेसिंग दी पोल्ट्री तो उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं पोल्ट्री फार्मिंग देर इज द स्मॉल चिकन आपको देख रही है घूर रही है बच के रहना इससे ठीक है सो दिस इज दस ये तो थोड़ा सा जोक था जोक साफ देन उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना देन uh, जो है ना इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा दैट इज द फिश फार्मिंग आपका लास्ट टॉपिक लास्ट तो नहीं है सेकेंड लास्ट टॉपिक होगा ये आपकी बुक का दैट इज दिश फार्मिंग ठीक है फ़िश फार्मिंग के बारे में बात करते हैं देखो फिश फार्मिंग जो है देखा जाए तो किसके लिए किया जाता है सबसे पहले हम करते हैं ट्रू फिशेस के लिए कि भाई फ़िशेज़ जो है वो भी ट्रू हो उसके लिए किया जाता है सेकेंड जो है किसके लिए किया सेल्फिश के लिए किया जाता है शेल्स मिलते हैं हम लोगों को पर्ल्स मिलते, है, मिलते हैं कोरल्स मिलते हैं ठीक है ना उन सब के लिए मिलता है देन प्रॉन्स हो गया प्रॉन्स तो बहुत सारे लोग खाते भी हैं ठीक है एंड मोलस्कस हो गए ये भी मीट की तरह काम आते हैं शंख वग़ैरह बोल सकते हो शंख तो मीट नहीं होता है तो ये सब चीज़ें हो गई पोल्ट्री फार्मिंग है ये तो हो गया बेनिफिट्स की भाई किन किन चीज़ों के लिए करी जाती है तेन उसके बारे में बात करते हैं भाई अगर पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं तो मेरे पास दो तरह के फिशज़ होती हैं एक होती है मेरे पास मराइन फिशेज और दूसरी मेरे पास कौन सी होती है इन लांड फिशज़ होती हैं तो ये अब चीज़ों को याद रखना है दो फिश के बारे में हम यहाँ पे डील करेंगे मराइन फिश के बारे में डील करेंगे और इन लाड फिशिज़ के बारे में डील करेंगे ठीक है सो कमिंग टू दैट हम माराइन फिश पर सबसे पहले चलते हैं कि मराइन फिश क्या हैं और क्या नहीं है किस तरह से हैं अब जो मराइन फ़िशज़ है वो हमें कहाँ मिलेंगी और कहाँ नहीं मिलेंगी उसको देखते हैं मराइन फ़िशज़ के बारे में अगर हम बात करें ठीक है वो फिशज़ जो मराइन सॉल्टी एरिया में रह रही हैं ठीक है सॉल्टी एरिया में रहते हैं तो हम एक सेवेंटी फाइव हंड्रेड किलोमीटर्स कोस्ट लाइन पर मिलती हैं कहाँ मिलती हैं कोस्ट लाइन कोस्ट लाइन किसकी होती है सी की जो मेरा एक बहुत बड़ा बे ऑफ बंगाल ले लो या अरेबियन सी ले लो इनकी कोस्ट लाइन पर आपको अवेलेबल होती है वो मराइन वाटर होता है वहाँ मिलेंगी ठीक है कौन कौन सी होती है एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ टोना फिश है ठीक है यहाँ दिल्ली में भी अवेलेबल है टोना फ़िश एंड बहुत सारे लोग उसको खाते भी हैं बॉम्बे डक है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं अब इनको कैप्चर किस तरह से किया जाता है या इनको जो है किस तरह से जो है फ़िशिंग करते हैं फ़िशिंग का मतलब तो सबको पता है ना लोग इनको पकड़ते हैं सो दैट आगे जो है इकोनॉमिकल यूज़ ले सकें तो उसके लिए क्या करते हैं यहाँ पर स्कूलिंग का प्रोसेस यूज़ करेंगे और स्कूलिंग जो है बेटा ये इसका मतलब ये नहीं कि स्कूल जा रही है फिशेस नहीं फ़िश स्कूल नहीं जा रही है अब यहाँ पे स्कूलिंग का मतलब समझते हैं स्कूलिंग क्या कहते हैं जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं वो आइदर इको साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं मतलब बहुत एक ऐसी साउंड प्रोडक्शन करते हैं वेव्स बनाते हैं मेरी वाटर बॉडीज़ के अंदर सो so दैट जितनी भी मैक्सिमम फिशेस हैं मैक्सिमम मतलब बहुत सारी फिशेस एक एरिया पे आके इकट्ठी हो जाती हैं ठीक है एंड देन जो फार्मर्स है वो नेट फैला देते हैं नेट के अंदर वो सारी की सारी फिश को वो कैप्चर कर लेते हैं फिशिंग कर लेते हैं दूसरा तरीका होता है सेटेलाइट्स यूज़ करते हैं मतलब जैसे आपने देखा होगा फ़िशिंग करते हैं के टाइम क्या करते हैं वो अपना कुछ ऐसा खाने का मटेरियल नीचे फेंकते हैं तो जब खाने का मटेरियल नीचे फेंकते हैं तो बहुत सारा मटेरियल फेंकते हैं सिर्फ थोड़ा सा नहीं फेंकते हैं और बहुत सारे मटेरियल सेटेलाइट्स की तरह काम करेंगे बहुत सारे फिशज अट्रैक्ट हो जाएंगे यार एक स्कूलिंग मतलब मैक्सिमम एक बोलते हैं ना गुच्छा है या भेड़ है उसी तरह से हम यहाँ पे बोलेंगे स्कूल शोल्स यहाँ पे बनते हैं मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ यहाँ पे शोल्स देखो ये ये जो ऑर्गेनिज्म ये जो ए, एक इंसान कर रहा है कि यहाँ पे इस पर्सन ने जो नेट में बहुत सारी फिशेज़ एक सिंगल टाइम पे पकड़ ली हैं इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं स्कूलिंग बोलते हैं देखो यहाँ पे भी उसने कौन सा दिखा रखा या ये जो है ये पिक्चर आपको दिखाई हुई है दैट इज़ स्कूलिंग स्कूलिंग का ही प्रोसेस है ये भी ठीक है तो ये तो थी छोटी छोटी चीज़ें अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं अब बहुत सारी फ़िशज अगर हम रेगुलरली इंटरवल्स पे ऐसे फिशेज को पकड़ते रहेंगे पकड़ते रहेंगे तो सी के अंदर जो सॉरी जो सी के अंदर फिशेस की क्वांटिटी है वो अपने आप क्या हो जाएगी एकदम ख़त्म हो जाएगी ठीक है और वो जो है बिल्कुल फिनिश हो जाएंगे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे इस तरह से पर हमें तो इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखना है तो उसके लिए अब यहाँ पे जो लोग क्या करते हैं वो लोग जो है माराइन कल्चर करते हैं यहाँ पे टर्म्स याद रखना क्या हो रहा है यहाँ पे अब फर्दर मराइन कल्चर हो रहा है मराइन कल्चर का मतलब कल्चर का मतलब समझ में आता है ना आप लोगों को ग्रो करा रहे हो आर्टिफिशियल मैनर में और किसका ग्रो करा रहे हो मराइन फिशेस का ग्रो करा रहे हो ठीक है तो उसको हम बोलते हैं मराइन कल्चर तो देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि मराइन फिशेस का कल्चर कैसे होता है देखो इस तरह से होता है हम बहुत सारे यहाँ पे टब्स क्रिएट कर देते हैं और अलग अलग टब्स के अंदर जो है हम सीड्स डाल देते हैं ठीक है सीड्स uh, का मतलब होता है वो छोटे छोटे एग्ज हम यहाँ पे डाल देते हैं फिशेस के जो कि फर्दर जो है ग्रो अब खाना वाना प्रोवाइड करते रहेंगे तो इसके अंदर भी बहुत सारी फिशेस मेरी ग्रो कर जाएंगी मैक्सिमम मैक्सिमम हम फिशेस को ग्रो करा सकते हैं बाय यूजिंग दी प्रोसेस ऑफ कल्चरेशन कल्चरेशन के प्रोसेस को यूज़ करके सो आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा देन उसके बाद मेरी जो सेकेंड वाली थी उसके बाद कौन सी थी इनलैंड फिशेस थी कौन सी फिशेस थी इनलैंड इनलैंड का मतलब क्या होता है वो फिशेस जो हमें कहाँ पाई जाती है पॉन्ड्स के अंदर मिल गई या रिवर्स के अंदर मिल गई ऐसी जगह पे अगर हमें फिशेस मिल रही हैं तो उनको क्या बोलते हैं इनलैंड लैंड बोलते हैं इनका कल्चर करा रहे हो बहुत ईजी है ये ग्रो कराई जाती हैं राइस के साथ देखो राइस को ग्रो कराने के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए Okay, तो पैडी हो गया राइस हो गया इन सब चीज़ों के साथ साथ हम जो है फ़िश को भी कल्चर करा सकते हैं उसी पानी में उसी खेत के अंदर हमने फ़िश के भी कुछ सीड्स डाल दिए तो फिशेज़ भी क्या हो जाएंगी वहाँ से ग्रो कर जाएंगी और एक दूसरा मेथड क्या होता है यहाँ पे कि हम पाँच से छः फिशेज़ की स्पीशीज़ मतलब पाँच से छः अलग अलग स्पीशीज़ जो है फिशेज़ की एक साथ हम ग्रो करा सकते हैं सिंगल पॉइंट के अंदर देखो यहाँ पे अभी मैंने आपको जो पिक्चर दिखाई ना यहाँ ले लो कि इस इस वाले के अंदर एक अलग स्पीशीज़ है इस वाले के अंदर एक अलग स्पीशीज़ है इस वाले में अलग स्पीशीज़ है या तो आप क्या कर सकते हो इस बास्केट में आप पाँच से छः अलग अलग स्पीशीज़ को ले सकते हो ठीक है बहुत अलग अलग स्पीशीज़ ले वेरी इन सबको एक साथ लग, ग्रो करा दिया एंड देन यू विल बी हैविंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ फिशेज़ विद यू दैट यू हैव कल्चर बाई योर ओन सेल्फ आपने इसको क्या करा है ख़ुद से कल्चर किया है तो ये तो था मेरा फ़िश जो फ़िश फार्मिंग था दैन लास्ट पॉइंट पर आते हैं दैट इज़ द बी कीपिंग ठीक है बी कीपिंग बेसिकली किसके लिए किया जाता है ये हनी आपको दिखाई दे रहा है हनी के लिए किया जाता है वैक्स वगैरह यहाँ से हमें मिल जाती है बहुत सारी तो ये इन सब चीज़ों के लिए किया जाता है ठीक है तो अब आते हैं बीज को थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ब्लैक बोर्ड को सो दैट मैं यहाँ पे लिख सकूँ चीज़ें ठीक है सो तो अब देखो बी कीपिंग है तो यहाँ पे भी क्या की जाती है ब्रीडिंग यहाँ पे बहुत अलग अलग होती है हमारे पास बहुत लोकल ब्रीड्स हैं बहुत सारी हैं यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक मेरे पास है एपिस सेरेना, ठीक है सिरेना आप सेरेना सिरेना आप सिरेना, सिरेना क्या है इंडिका इसके आगे इंडिका भी लगा देना इंडिका का मतलब मुझे क्या पता चलेगा कि भैया जो इंडियन है इंडियन स्पीशीज़ है इंडियन बी है इंडियन बी बहुत सारे नाम है रॉक बी भी, भी है सो एन सी आर टी की बुक में ये सारी नेम्स जो हैं दे है दे रखी हैं बीज के साथ भी वही सेम प्रोसीजर आप लोग फॉलो करोगे जो अब तक करते आए हैं ठीक है सबकी देखभाल करनी है सबकी क्या करनी है टेक केयर करनी है सबको फूड रिक्वायरमेंट्स अच्छा होना चाहिए सबका शेल्टर अच्छा होना चाहिए सबकी क्लीनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए एंड सेकंड जो है बाकी वेटनरी डॉक्टर्स के पास भी उनको लेके जाना है उनको ज़रूरत होती है मतलब इन ऑल ओवर देखा जाए अगर हम कल्चर करा रहे हैं किसी की भी हस्बेंड्री करा रहे हैं किसी का भी अगर हम एनिमल हजबेंड्री कर रहे हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उनको छोड़ देना नहीं होता उनको ग्रो कराने की भी जिम्मेदारी किसकी हो जाती है वो हमारी हो जाती है ठीक है सो बाय दिस नाइन्थ क्लास आपका ये जो चैप्टर है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज फिनिश होता है एंड यस एवरी टाइम की तरह मैं आप लोगों को ग्रीट करती हूँ थैंक यू फॉर वॉचिंग बेटा इन सारी वीडियोज़ को आप मैक्सिमम मैक्सिमम शेयर कर दो सो दैट द स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास हुआ फेसिंग दी प्रॉब्लम्स ठीक है उन तक भी वीडियोज़ पहुंच जाए और सो दैट दे कैन ऑल्सो बी हैव सम चार विद दिम टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाए ठीक है सो थैंक यू हैव अ नाइस डे स्टे सेफ स्टे हैप्पी और येस पढ़ते रहो अपने माइंड को रुकने मत देना जंग मत लगने देना एक बार जंग लग जाएगा तो प्रॉब्लम आप लोगों के लिए होगा ठीक है सो कीप स्टडिंग ऑल द बेस्ट